अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। नाउ वी स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। सो ओपन पेज नंबर 63। आई होप आपको लास्ट वाला डेसिमल फ्रैक्शन दोनों समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, इसीलिए आपको जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत करवाया गया था ताकि आप उसको बेसिक चीज़ को, इस यूनिट की जो बेसिक हैं डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों फॉर्म्स आप लोग समझ लें। आप लोग को समझ आ गई होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेसिमल के अकॉर्डिंग हम लोग उन्हीं वैल्यूज़ की एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, जिनके पॉइंट वाली वैल्यूज़ की एडिशन आपने सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट तो किए हैं, ठीक है, अप टू फोर और फिफ्थ वैल्यूज़ की तो कर लिए हैं लास्ट लेक्चर्स में या स्टार्टिंग में लेक्चर्स में। लेकिन आज हम लोग डेसिमल जिनमें पॉइंट्स आता है उनको आज हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आपको सिखाएंगे, आप लोग सीखेंगे। जैसे 63 पे सिंपल सी वैल्यूज आपको गिवन है डेसिमल की, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता दूं। जहाँ पे ये देखें, हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। लेकिन एक बात, एक यहाँ पे पॉइंट अपने माइंड में आप बच्चों रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट करेंगी, ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा डेसिमल वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए, जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए, ठीक है। पहले दो हम लोग इसके फंक्शन या ऑपरेशंस आपको सिखाते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू का पॉइंट होता है वो सेकंड वाली वैल्यू को पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल आना चाहिए, ठीक है। आई मीन इसके देखिए वर्टिकल, जब हम लोग इनको वर्टिकल फॉर्म्स में क्वेश्चन को लिखते हैं तो बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जो इसके स्टार्टिंग में वैल्यू है लेफ्ट साइड पर या जो लास्ट में राइट साइड पर वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में अरेंज करते हैं। लेकिन जब देखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद आप लोग राइट लेफ़्ट साइड पे जाएं तो वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करें। 0, 10, 100, ठीक है, ये हम लोग लेफ़्ट साइड पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास यूनिट हो गया, या ज़ीरो बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनिट 10, 100, ठीक है। और जब इधर लिखते हैं तो ये हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट के जब राइट साइड पे लिखते हैं इस साइड पे तो हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 10, 100, 1000, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इसके लिखने का मेथड कि हम लोग लिखते कैसे हैं, आपके घर में कोई बड़ा मौजूद है तो आपको आई होप ये चीज़ समझा देगा। रेगुलर क्लासेस में इंशाल्लाह जब होंगी, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा क्लियर, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। जैसे जब हम लोग किसी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, जब हम लोग इस साइड पे आते हैं ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करते हैं 10, 100, 1000, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस साइड पे जाते हैं यूनिट 10, 100, इस साइड पे पढ़ते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड पे आते हैं तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से इसे लिखना स्टार्ट करते हैं पॉइंट के डेसिमल के बाद, ठीक है। और बाकी ऐड और सब्ट्रैक्ट वैसे ही होता है। यहाँ पे देख लें, 9 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, सॉरी ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये ऐड का देख लेते हैं। 4 और 3 को प्लस किया 7, 3 और 0 3, 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी जाएगा, 9 5 और 1 15, 5 और यहाँ पे 1 कैरी आया, 1 1 2। सब्ट्रैक्शन का आप देख लें, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम लोग 6 में 1 यहाँ कैरी ले लेंगे तो ये 11 बन जाएगा, 11 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, यहाँ पे 1 कैरी चला गया था, 5 हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू थी, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 5 में से 2 करेंगे तो 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, फर्स्ट है 41.24, फर्स्ट वाली वैल्यू लिख ली, सेकेंड 31.5, लास्ट 36.124। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वन वैल्यू तो मैंने लिख लिया, अब सेकंड वन वैल्यू हमारे पास थी 31.5, अब पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट भी लगा दिया, अब पॉइंट के बाद जस्ट एक 5 है तो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हमारे पास है 1, हम लोग इधर से इधर जब लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 और 3, इस तरह से 31.5, जस्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल वैल्यू में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसकी डेसिमल प्लेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लास्ट वन है 36.124, अब वो कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट मौजूद है, पहले 1, 2, 4, ठीक है। अब इधर जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 6,
3। बात समझ आ गई आपको, आप लोग बुक भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, जो ये जीरो है ये एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि बच्चों को इजी समझ आ जाए, जहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी। ठीक है, आप ये भी ना भी लिखें तो आप लोग इजी रहेंगे, लिख भी दें तो ये आपकी इजी के लिए, आपका मेथड इजी बनाने के लिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट का इजी बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिए गए। ठीक है, अगर आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे इसको, 4 4 और 2 6, 2 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, 6 1 1 8, 4 3 3 3 10। ठीक है, एज इट इज़ ऐड कर लिया। अभी से सब्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 के बाद कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, लेकिन खुद से 0 ऐड कर दिया ताकि सब्ट्रैक्शन में ईजी हो। यहाँ पे 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने 7 से 1 इधर कह लिया, 10 में से 1 यहाँ पे आ गया, ये 10 बन गया, यहाँ पे बाकी रिमेनिंग 9 रह गया। ठीक है, यहाँ पे 6 रह गया, 10 में से 5 5, 9 में से 4 5, 6 में से 1 5, बाकी यहाँ पे 9 5 4, 1 था, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 1 कैरी लेंगे, 11 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो यहाँ पे 5 रिमेनिंग था। जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी प्रैक्टिस किया। ठीक है, जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर इसका आप लोगों ने 3 सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 आपने बुक्स पे सॉल्व आउट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अपने किसी बड़े की हेल्प लेके, आप टीचर के लेक्चर की हेल्प से आप लोग ये समझ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।